नमस्कार मित्रों, आज आपका स्वागत है। आज मैं आपको अवधि स्टाइल में पनीर बनाना सिखा रही हूँ, मटर पनीर। तो मटर पनीर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? पनीर तो चाहिए ही होगा, तो लीजिए ये पनीर। ये हुआ हमारे पास मटर, है ना। ये मैंने काटा है इधर, और मसाले में मैंने प्याज और लहसुन और अदरक का पेस्ट है, और इसके अंदर मैंने सारे हल्दी मिर्चा धनिया का पेस्ट मसाला डाला हुआ है, और नमक डाल दिया है अपने हिसाब से स्वाद अनुसार। और ये है जीरा, जीरे को इसके अंदर डालेंगे। जीरा मेरा अच्छी तरीके से हो गया है। अब हम इसके अंदर ये मसाला जो है इसको मैं डाल दूंगी। अब हम मसाले को जब तक पकाएंगे जब तक इसमें से तेल ना छोड़ दे, तो हम इसको अभी धीरे धीरे पकाएंगे। अब मैं देखिए इसका तेल छूट गया है, देखिए अच्छी तरीके से मसाले ने तेल छोड़ दिया है, इसका मतलब हमारा मसाला पक गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर, अब हम इसके अंदर डालेंगे ये टमाटर, उसको भी अच्छी तरीके से हम वो करेंगे, पकाएंगे। आप लोगों को ये अगर अच्छा लगे तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन भी पाइए। ऐसे ही प्यारे प्यारे अब हम इसको भी थोड़ा पकाएंगे। अब देखिए टमाटर भी पानी छोड़ दिया, मसाला एकदम बढ़िया तरीके से पक गया है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे मटर, मटर पनीर बन रही है तो मटर तो पड़ेगी, तो इसके अंदर हम डालेंगे ये मटर। मटर कड़ी होती है तो इसलिए थोड़ा देर हम इसको पकाएंगे, और इसके अंदर हम डालेंगे चुटकी भर, मात्र चुटकी भर चीनी, वो भी इतनी सी, देख लीजिए इतनी सी चीनी डालेंगे, जरा सी, जो थोड़ा सा इसका फ्लेवर को और भी निखार लाएगी। आप ट्राई करके देखिएगा। अब देखिए ये मटर भी पक गई है, पानी छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर पनीर डालेंगे, पनीर डालेंगे, और इसको हल्का हल्का धीरे धीरे हाथों से इसको मैश करेंगे। अब हम इसके अंदर अपने हिसाब से आपको जितना रसा चाहिए, रोटी खाना है तो रोटी के हिसाब से, अगर चावल खाना है तो उसके हिसाब से आप इसमें रसा डालेंगे, जितना आपको सही लगे उस हिसाब से करेंगे। और इस पनीर को भी हम मुश्किल से 5 मिनट पकाएंगे, बहुत ही झटपट सब्जी है, आप टिफिन में भी ले जा सकते हैं इसको, बहुत ही बच्चों को बहुत अच्छी लगती है ये सब्जियां, और हेल्दी भी होती है। एक बार अवधि स्टाइल की ये पनीर की सब्जी खाने की, खाइए अच्छा लगेगा आपको। अब देखिए ये मेरी मटर और पनीर दोनों तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर लास्ट डालेंगे कोरिएंडर, और आराम से इसको ऐसे गार्निश करेंगे, और धीरे से अपनी इसको बंद करेंगे। अब आप इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको चावल के साथ, जो उसके साथ आपको पसंद आए उसके साथ खाइए और इसका लुफ्त उठाइए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाएंगे तो नोटिफिकेशन। बाय।